हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में जो हम हमारे पोम के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं, उस पोम का नाम है अधिकार। यह आपके सेकंड पीयूसी हिंदी के सिलेबस में है। तो चलिए जल्दी से हम इस क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट में चलते हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर हमारा फर्स्ट मेन है वन मार्कर्स। वन मार्कर्स के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुस्काते फूल को क्या आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है, मुस्काते फूल को मुरझाना आना चाहिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मेघ में किस चीज़ की चाह होनी चाहिए। इसका आंसर है, मेघ में घुल जाने की चाह होनी चाहिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आँखों की सुंदरता किससे बढ़ती है। इसका आंसर है, आँखों की सुंदरता आंसू रूपी मोतियों से बढ़ती है। आंसू रूपी मोती। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, प्राणों की सार्थकता किस में है। इसका आंसर है, जिसमें बेसुध पीड़ा सोती है उसमें प्राणों की सार्थकता होती है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कवयित्री को किसकी चाह नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है, कवयित्री को अमरों के लोक की चाह नहीं है। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, कवयित्री किस अधिकार की बात कर रही है। इसका आंसर है, कवयित्री मर मिटने के अधिकार की बात कर रही है। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, परमात्मा की करुणा से कवयित्री को क्या मिला। इसका आंसर है, परमात्मा की करुणा से कवयित्री को मर मिटने का अधिकार मिला। चलिए अब हम हमारे सेकंड मेन पे चलते हैं, जो कि है 3-4 मार्कर्स। उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फूल एवं तारों के विषय में कवयित्री महादेवी वर्मा क्या कहती है। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्यपुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय अधिकार कविता से लिया गया है और इस कविता की कवयित्री महादेवी वर्मा है। यहाँ तक लिखने के बाद में आप अपना मेन आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। आप लिखे, फूल और तारों को बिंब के रूप में प्रयोग करते हुए कवयित्री ने इनके माध्यम से जीवन की नश्वरता एवं अस्थिरता पर प्रकाश डाला है। फूल जो खिलकर सबको प्रसन्नचित करता है उससे एक दिन मुरझाना भी पड़ता है। जिन फूलों को मुरझाना नहीं आता उन्हें मुस्कुराने का भी हक नहीं है। तारे जो आकाश में टिमटिमाकर रात में अपना प्रकाश फैलाते हैं और रात ढलते ही उन्हें छिप जाना पड़ता है, ऐसे तारे दीपक नहीं बन सकते जो बुझना नहीं जानते हो। इसी तरह जो मनुष्य दुख नहीं सह सकता उसे सुख की चाह नहीं रखनी चाहिए। सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं, उनसे मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है, बादल एवं वसंत ऋतु से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। सबसे पहले आप लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्यपुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय अधिकार कविता से लिया गया है। इस कविता की कवयित्री महादेवी वर्मा है। फिर आप मेन आंसर कंटिन्यू करते हुए आप लिखेंगे, बादलों से तथा वसंत ऋतु से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम स्वर्ग में नीलम की तरह रहने वाले बादल ना बने, बल्कि जिस प्रकार बादल उमड़ घुमड़ कर इस तृप्त धरा को शीतलता प्रदान करते हैं, वैसे ही हमें दूसरों की पीड़ा में शामिल होना चाहिए। ऋतुराज वसंत से यह प्रेरणा मिलती है कि वह जिस प्रकार बार बार नित्य नूतन बनकर आता है, वैसे हमें भी जीवन में नित्य नए प्रयोग करते रहना चाहिए। तो यहाँ तक था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है, जीवन की सार्थकता किन में है। तो आप आंसर में लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्यपुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय अधिकार कविता से लिया गया है। इस कविता की कवयित्री महादेवी वर्मा है।
महादेवी वर्मा कहती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों का समान महत्व है। यह जीवन के अभिन्न अंग है। जिस तरह मेघ की सार्थकता पिघलकर बरसने में जग को आनंद देने में है, उसी तरह जीवन की सार्थकता परिस्थितियों का सामना करने में है, ना कि उनसे पलायन करने में। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह जीवन को उसकी परिपूर्णता में स्वीकार करे। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है फोर्थ क्वेश्चन। कवयित्री अमरों के लोक को क्यों ठुकरा देती है? सबसे पहले आप लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय अधिकार कविता से लिया गया है और इस कविता की कवयित्री महादेवी वर्मा है। फिर आप मेन आंसर कंटिन्यू करते हुए आप लिखेंगे, कवयित्री महादेवी वर्मा जी का विश्वास है कि वेदना एवं करुणा उन्हें आनंद की चरमावस्था तक ले जा सकते हैं। उन्होंने वेदना का स्वागत किया है। उनके अनुसार जिस लोक में दुख नहीं वेदना नहीं, ऐसे लोक को लेकर क्या होगा? जब तक मनुष्य दुख न भोगे, अंधकार का अनुभव न करे, तब तक उसे सुख एवं प्रकाश के मूल्य का आभास नहीं होगा। जीवन नित्य गतिशील है, अंततः इसमें उत्पन्न होने वाले संदर्भों को रोका नहीं जा सकता। जीवन की महत्ता परिस्थितियों का सामना करने में है, उनसे भागने में नहीं। कवयित्री अमरों के लोक को ठुकरा कर अपने मर मिटने के अधिकार को बचाए रखना चाहती है। तो यहाँ तक था हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है अधिकार कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक तत्वों के बारे में लिखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय अधिकार कविता से लिया गया है और इस कविता की कवयित्री महादेवी वर्मा जी है। महादेवी वर्मा छायावादी कवयित्री थी। प्रकृति वर्णन छायावाद का प्रमुख अंग है। अधिकार कविता में भी कवयित्री ने कई प्राकृतिक तत्वों के द्वारा हमें संदेश दिया है। फूल तारे मेघ वसंत ऋतु आदि प्राकृतिक तत्वों द्वारा दुख एवं वेदना का अनुभव कराया है। नीले मेघों को धुलना चाहिए और वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आना स्वाभाविक है। उसी तरह मानव जीवन में सुख और दुख सामान्य है। दुख वेदना यातना की अनुभूति कर धैर्य से सामना करना चाहिए। तो चलिए अब हम हमारे इस पोम के लास्ट मेन पे चलते हैं, जो कि है ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। तो हमें फॉर्मेट ध्यान रखना है जब हम ससंदर्भ लिखते हैं। हमारे फोर पॉइंट्स आएंगे फॉर्मेट में। फर्स्ट पॉइंट है प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय अधिकार कविता से लिया गया है और इस कविता की कवयित्री महादेवी वर्मा जी है। ओके, यह था हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रसंग। हमारा सेकंड पॉइंट आएगा संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे, यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है कि जिसमें ना तो विरह वेदना है और ना ही किसी का दुख है, हे देव यह लोक मुझे नहीं चाहिए। मैं तो इस लोक में अपने वेदनामय जीवन से ही सुखी हूँ। सेकंड पॉइंट संदर्भ होने के बाद में हमारा थर्ड पॉइंट आता है व्याख्या। व्याख्या में आप क्या लिखेंगे? आप लिखे, महादेवी वर्मा इन पंक्तियों में कहती है कि जिस लोक में अवसाद नहीं वेदना नहीं, ऐसे लोक को लेकर क्या होगा? जो खुद अपने लिए जीता है उसका जीना भी क्या जीना। जो परिस्थितियों का डटकर सामना करता है वही असली जीना जीता है। जिसमें आग नहीं जिसने जलना नहीं जाना उसका जीना भी क्या। वह तो खुशी से मर मिटना
भी नहीं जानता। जो दुख का सामना करना जानता है, मर मिटना जानता है, वही मुस्कुराना भी जानता है। थर्ड पॉइंट व्याख्या लिखने के बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट आता है विशेषताएं। तो जैसे कि हमें पता है यह क्वेश्चन हमारे पोम के पार्ट से है, तो इसके अंदर हमें दो सब पॉइंट लिखने हैं। पहले आप विशेषता हेडिंग डालें और आप फर्स्ट सब पॉइंट लिखें भाषा। भाषा डाल के कोलन डाल के आप लिखेंगे हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। ओके, फर्स्ट सब पॉइंट भाषा होने के बाद में आप सेकंड सब पॉइंट में लिखेंगे जीवन के दुख और सुख का वर्णन किया गया है।